नमस्कार जी। नमस्कार भाई सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जी गौरव जैन। कहाँ से हैं आप? आई एम फ्रॉम चरखी दादरी। आप यहाँ धाम से जुड़े हैं, कितने समय से आप धाम से जुड़े हुए हैं? मैं पिछले 3-3.5 महीने से इस धाम से जुड़ा हुआ हूँ जी। कैसे पता लगा आपको इस धाम के बारे में, गुरु जी के बारे में? जी मेरे एक मित्र हैं मिस्टर राजेश जी, चरखी दादरी से जी तो वो मेरे ऑफिस आए थे जी कोर्ट में, तो मैं उस समय काफ़ी परेशान था। जी परेशानी ये थी, तो बीमारी से भी परेशान था थोड़ा सा कुछ, मेरे छोटे भाई थे वो भी ज़्यादा बीमार थे, जी तो वो मेरे बहुत समय से मित्र हैं, उनके आगे जिक्र हुआ तो उन्होंने इस धाम के बारे में मुझे बतलाया था, उसके बाद फिर उन्हीं के साथ हम यहाँ आए थे। तो क्या कुछ समस्याएं, क्या कुछ उम्मीदें लेके आप यहाँ धाम पर आए? देखो समस्या, मैं तो परेशान चल ही रहा था, परेशान शारीरिक तौर से भी था और मानसिक तौर से भी था। क्यों परेशान था? क्योंकि छोटा भाई काफ़ी बीमार था उस समय बहुत ज़्यादा, और वो पिछले 1 साल में 2 या 3 तीसरी बार वो बीमार हुआ था। जी तो उसको पहले भी दवाइयाँ दिलवाई थी, फिर दवाइयाँ दिलवाई थी, तो दिक्कत चल ही रही थी। जी तो फिर राजेश जी ने कहा कि आप यहाँ चलो, तो एक बार मेरे कहने से तो चलो, तो बोले छोटे भाई को भी साथ लेना, माँ जी वो तो अभी नहीं आएगा शायद, बोले आप चलो, आप तो चलो। तो फिर उसके बाद हम यहाँ आए थे, तो यहाँ आने से पहले मेरा जो मन था, माँ यार, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल चीज़ों में ज़्यादा विश्वास करता हूँ, तो मैं आज तक किसी धाम वाम में कभी कभी गया नहीं था, कभी नहीं गया मैं, क्योंकि हमारा जो एक तो प्रोफेशन है और एक जो हमारा काम करने का तरीका है वो सारा प्रैक्टिकल है, काम करोगे तो ही काम होगा। और यहाँ आने के बाद उस दिन भी मेरा मन थोड़ा सा अजीब सा रहा, हालांकि गुरुजी से मिला था मैं उस दिन, समय भी दिया गुरुजी ने, परंतु मन में एक जो विश्वास था ना, या होना चाहिए था, वो नहीं था उस दिन। तो पहले दिन जो आप सोच कर आए थे उस प्रकार का आपको विश्वास आपके मन में नहीं बना? नहीं, मैं एक्चुअल में क्या था कि जो मैं समस्या का समाधान के लिए आया था उस दिन, तो मेरा विश्वास नहीं बना। जी मेरा विश्वास इसलिए नहीं बना क्योंकि मैं पहले दिमागी तौर पे इतना परेशान, मेरे सवाल इतने थे मेरे दिमाग में जिसका समाधान मैं डॉक्टरी तौर पर, मेडिसिन तौर पर, या आराम करके उस तरीके से चाह रहा था, पर वो बात बन नहीं पा रही थी किसी भी तरह से। घर का माहौल भी थोड़ा सा अव्यवस्थित सा हो गया था क्योंकि बीमारी के चक्कर में। हाँ जी, परंतु यहाँ आने के बाद जो स्ट्रेस लेवल एक मेरे दिमाग पे था, वो स्ट्रेस बर्स्ट हुआ है धीरे धीरे, स्लोली। तो उस दिन के बाद से आज तक है कि जो चीज़ें हैं, व्यवसाय है, जो घर का वातावरण है, जो एक मानसिक तनाव था दिमाग में, वो थोड़ा सा रिलैक्स मोड पे हुआ है। तो आपको कितने समय में इसमें फ़र्क दिखा कि आपका जो तनाव है, मानसिक तनाव जो आपके साथ जो स्थिति चल रही है उसमें अच्छा रिजल्ट कितने समय में आपको महसूस हुआ? गुरुजी ने मेरे को 2-3 बातें बताई थी। हाँ जी, उन्होंने, उनका पहला कहना तो ये था कि आप किस प्रभु को मानते हो, तो मैंने बताया था जी मैं हनुमान जी को मानता हूँ। तो उन्होंने कहा था कि आप हनुमान जी का शाम को, सुबह कितनी देर नाम ले सकते हो? जी, तो मैंने बताया कि जी मैं 10-15 मिनट तो नाम ले सकता हूँ, और वैसे मैं हर मंगलवार मैं मंदिर जाता भी हूँ, परंतु मैं रोज़ नहीं जा पाता। तो उन्होंने बताया थोड़ा सा मेडिटेशन करो, थोड़ा सा पशु पक्षियों के पास सुबह घूमने जाओ, थोड़ा सा समय व्यतीत करो, जी थोड़ा सा उनके पास जाओ, प्रभु का स्मरण करो। जी तो मैंने वो चीज़ें स्टार्ट की, ईमानदारी से बताऊँ तो 100% मैं कर भी नहीं पाया। जी मैंने वो चीज़ें मेरे ख्याल से 50-60% की होंगी, 100% मेरे से हुई भी नहीं, क्योंकि रूटीन थोड़ा हमारा लेट कमर्स का है। हाँ जी, पूरा दिन काम करने के बाद हम थक जाते हैं। हाँ जी, तो बस जिस दिन कम थकते हैं उस दिन मैं नाम जरूर लेता हूँ, परंतु रूटीन में मैं पर डे नाम नहीं ले पाता। तो क्या कुछ आपको उससे महसूस हुआ, आपको क्या कुछ फ़ायदा लगा? फ़ायदा छोटे भाई, हमें इन चीज़ों का ये हुआ कि जो हमारे दिमाग पे एक तो स्ट्रेस था ना, हाँ जी, वो स्ट्रेस था, एक तो मेरी खुद की फिजिकल में थोड़ा सा दिक्कत चल रही थी, जी वो दिक्कत थी। फिर क्या था कि मैं जैसे आलती पालती मार के मैं बैठ नहीं सकता था, जी मेरे को है ना यहाँ यहाँ दिक्कत रहती थी। हाँ जी, तो उन्होंने कहा कि आप शुरू तो करो आलती पालती मारना, तो 1 मिनट भी मेरे से बैठना, आलती पालती मार के बैठना बड़ा मुश्किल होता था, पर धीरे धीरे मैंने शुरू किया, कुछ और चीज़ें जो उन्होंने बताई थी वो शुरू की, तो मेडिटेशन करने लगा, जी तो फिर उससे थोड़ा सा आराम आना शुरू हुआ। मैं आराम आने के बाद थोड़ा सा मेरा मन टिका,
क्योंकि दरअसल मैं इन चीज़ों को कम मानता था पहले, जी मेरा मानना नहीं था इन चीज़ों में, विश्वास जी भी नहीं होता था मेरा। तो धीरे धीरे जब मैं ठीक होने लगा विदाउट एनी मेडिसिन, मैंने जी कोई दवाई नहीं ली है, और छोटे भाई की भी जो दिमाग की या उसकी और समस्याओं की जो दवाइयाँ थी वो भी बंद हुई, जी कम हो गई उसकी दवाई। हालांकि वो 100% ठीक तो नहीं हुआ अभी तक, परंतु पहले से आप ये कह सकते हो 50-60% उसकी तबीयत में हाँ सुधार है। ठीक है तो देखो, हम एक जगह जाते हैं, उसके बाद हमारे जो मुसीबतें हैं या ज़िंदगी में समस्याएं हैं वो थोड़ी कम होनी शुरू रहती हैं। तो देखो, आदमी डूबते को तो तिनके का सहारा होता है, बिल्कुल और कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं। तो जी देखो जी, हम यहाँ आए, हमें कुछ बताया गया, हम फिर आते रहे, 2-3 बार मैं आ चुका जैसे यहाँ, तो आपका विश्वास बना तो विश्वास बना हमारा, तो हमें अच्छा भी लगा। जी फिर यहाँ मैंने 2-3 चीज़ें और भी देखी, जी यहाँ लोग बड़ी समस्याओं के साथ आते हाँ हैं, जी और यहाँ जो चीज़ें हैं ना वो एक सामाजिक चीज़ें हैं। यहाँ हाँ यहाँ जी ये नहीं है कि कोई मेंबर है या कोई और है, यहाँ सब भक्तजन हैं लोभ लालच नहीं है ना, यहाँ यहाँ लोभ लालच का तो कोई सवाल ही नहीं है। जी यहाँ तो एक तरह का एक सच्चा दरबार होता है ना, जैसे हाँ जी माता का या और टाइप सेवा में। भाव से काम कर रहे हैं हाँ, सब यहाँ तो उस तरह से यहाँ सारी चीज़ें, यहाँ तो जी बल्कि जो भोजन की व्यवस्था है हाँ जी वहाँ भी, यहाँ कोई ये नहीं है कि एक बंदे की ड्यूटी है या कोई स्पेशल स्टाफ लगा रखा है, जी ठीक है जी। तो यहाँ सब मिलजुल के ही भोजन की जी व्यवस्था कर लेते हैं और बना लेते हैं, जी सर्विस कर देते हैं भोजन को, और भक्त जन बैठ के अपने मन खा से ही कर लेते रहे हैं। हैं जो कर रहे हैं हाँ, यहाँ, अपने मन से किसी पे कोई दबाव नहीं कि आप यहाँ आओ ना, काम करो मैं आज आया तो मैं भी मेरी मिसेज के साथ आज आया हूँ, जी तो मैंने आने के बाद आज फर्स्ट टाइम मैंने भी आज भोजन वितरित में खुद अपने मन से मैंने कार्य आपने भी किया। यहाँ सेवा की हाँ, मैंने भी खुद कार्य किया है, जो अच्छा भी लगता है। ये कार्य मैंने बहुत सालों पहले किया था, बहुत सालों पहले मतलब स्कूल टाइम में। हाँ जी तो उसके बाद समाज और हमारी जो चीज़ें हैं वो अलग डर्रे पे चल पड़ा है समाज, परंतु यहाँ आने के बाद जो समाज है वो एक दूसरे से जुड़ाव, गुरु जी जी के कहने से चीज़ें, और फिर विश्वास बनना, ये सारी चीज़ें हैं। धर्म के रास्ते पे चल रहा है हाँ, फिलहाल। वो ठीक लगता ठीक, है। तो काफ़ी भक्तों से मैंने सुना है कि गुरुजी बोलते हैं उन्हें राम का नाम लो, और वो जी बोलते हैं हमसे बैठा नहीं जाता, जी लेकिन गुरुजी बोलते हैं आप बैठना शुरू करो मैं आपकी मदद करूंगा, और वो जी बैठते भी हैं। जी तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप इस बात को कितना मानते हैं कि राम का नाम लेने बैठेंगे तो हमारी बैठने की जो कैपेसिटी है जी वो बढ़ेगी और गुरुजी हमें उसमें मदद करेंगे? जी मेरे से तो भाई साहब, हकीकत बताऊं, आलती पालती मारना पॉसिबल ही नहीं था। जी मेरे राइट टांग के, जो कमर के नीचे जब टांग शुरू होती है आपकी, लेग शुरू हाँ होती है ना, जी तो वहाँ जो ज्वाइंट होता है वहाँ मुझे इतनी ज़्यादा अकड़न थी, मेरे से बैठा ही नहीं जाता था मतलब कोई मतलब नहीं था आपकी बैठ के, ना। आप राम का मतलब नाम भी लो। आप राम का नाम लेने की बात कर रहे हो सर, मैं आलती पालती बैठ ही नहीं सकता था। मैं ठीक कहीं भी, कहीं किसी के पास जाना हो, वहाँ भी जी मैं चेयर लेता था या फिर जी मैं टेढ़ा होकर बैठा जी करता, और अब मैं आलती पालती मार के आराम से बैठ जाता हूँ। हालांकि देखो, 100% तो मैं ठीक नहीं हूँ आलती पालती जी में, परंतु बैठ जाता हूँ। मैं कम से कम आधा घंटा 1 घंटा तकरीबन जी मैं बैठ जाता हूँ, पर एक दो बार उठ जाता हूँ, जी परंतु पहले तो 1 सेकंड भी नहीं बैठ सकता था, जी इतना जी दर्द था भयंकर वाला। तो बहुत आराम मिला है हाँ, आपको, बहुत आराम आपको मिला। बैठने में भी आसानी हो रही है अब, और राम का नाम लेने से आपको क्या कुछ महसूस हो रहा है, आपको मानसिक क्या कैसा महसूस हो रहा है? देखो, जो धार्मिक रिश्ता है ना, हाँ जी उसमें हमारी साइंस छिपी हुई है। जी मेरा मानना है, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि जो हमारा धार्मिक है ना, उसमें बहुत तरह की साइंस छिपी हुई है, जी परंतु हम उन चीज़ों को, क्या हो गया कि हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे ना, या हमारे जो डॉक्टर या आचार्य या जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस चीज़ का हमें साइंटिफिक तरीका नहीं बताया कभी जी भी। ये कर लो, जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि हम लोग पुराने टाइम में जो हमारे बर्तन थे वो हम राख से यूज़ करते थे साफ़ करने के लिए, परंतु आज उस चीज़ को हम सर्फ से यूज़ कर रहे हैं। वो साइंटिफिक था। जी वो साइंटिफिक क्यों था? क्योंकि वो चीज़ें विदाउट केमिकल थी, जी सर्फ वगैरह जो है वो केमिकल हैं, परंतु ये चीज़ें हमारे एक हिंदू धर्म में सारी सिलसिलेवार तरीके से सेट कर दी गई थी, जी और हमें इस चीज़ का साइंटिफिक नहीं पता। अब जैसे राम का नाम है, राम का नाम लेने से एक तो जो हमारे अंदर जो एक तरह का भाव होते हैं ना, लोभ लालच तृष्णा, जी वो कम होती है। फिर पॉजिटिव जो एनर्जी हाँ है वो जी जी आती है। जी हम किसी का बुरा, अगर हमारे मन करता है ना कि हम किसी का बुरा करें, हाँ तो जी भी वो बुरा नहीं होने देता अगर जी हम मेडिटेशन करते हैं। फिर हाँ जी मेडिटेशन करने से 2 लाभ हैं हाँ जी कि जो सांस है, सांस के ऊपर कंट्रोल होता है हमारा, जी हमारा दिमाग है वो स्ट्रेस से दूर हो जाता है। हाँ जी अगर हमारा दिमाग स्ट्रेस से दूर होगा, हमारा सांस से कंट्रोल कायम हो जाएगा, हाँ तो हमें जी लाभ ही होना है।
और राम के नाम लेंगे तो कुछ ना कुछ हम किसी और के लिए भी ऐसे सक्षम हो पाएंगे कि हम किसी और दूसरे का भी सहारा बन सकें। जी, तो आप धाम पे आते हैं गुरुजी से मिले, तो आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे आप कि भाई आप आए या ना आए, आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपको कितना अच्छा लग रहा है, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं देखो जी, जितने भी तमाम दर्शक आपके शो के द्वारा हमें देख रहे हैं, मैं उन्हें यही मैसेज देना चाहूँगा कि देखो समस्याएं हर जिंदगी में है, जिंदगी में सभी व्यक्तियों को समस्याएं हैं जी, ठीक है जी। उसमें देखो हम तरह तरह के समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, हाँ जी, फिर समाधान ढूंढने से कईयों का समाधान हो भी जाता होगा, कईयों का नहीं भी होता होगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको एक बार धाम पे आके, दो बार आके, तीन बार आके आपके समाधान की कोशिश कर लेनी चाहिए अगर आप जिंदगी में कोई शंका का समाधान नहीं हो पा रहा है। जी, मतलब किसी कहा सुनी पे, किसी के सुनने पे विश्वास ना करें, खुद आके देखें, देखो खुद समझें। मेरा मानना तो यही है, देखो जब तक आप खुद प्रैक्टिकल कोई चीज़ नहीं करेंगे ना तो आपको पता कैसे चलेगा। खुद परखें आपकी यहाँ हाँ क्या है क्या जी नहीं, जी किसी के कहा सुनी पे विश्वास ना 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 करें। किसी के कहा सुनने से थोड़ी सी काम चलता है। आप जब भी कोई काम करेंगे, जब आप उस काम को स्वयं करेंगे, हाँ जी, उस काम के रिजल्ट्स आप जब तक महसूस नहीं करेंगे आप विश्वास कैसे करेंगे। एक छोटी सी बात है, जैसे हमारे क्लाइंट्स होते हैं, हम किसी क्लाइंट्स का काम कर रहे हैं, किसी की आर्गुमेंट कर रहे हैं, किसी की प्रोसीडिंग कर रहे हैं, तो हर मुकदमा तो ज़रूरी नहीं कि हम जीतते हैं, हम हारते भी हैं, बिल्कुल परंतु क्लाइंट का फेथ वो देखता है ना कि हमारे वकील ने हमारे लिए किया क्या है कोर्ट जी, प्रोसीडिंग में। तो वो चीज़ें जब तक आप उस चीज़ को खुद महसूस नहीं करेंगे हाँ ना, जी तब तक आपको इस इन चीज़ों का पता नहीं चलेगा। गौरव जी, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो पंडितों के यहाँ जाते हैं, काफ़ी बड़े बड़े विद्वानों के यहाँ जाते हैं जिन्होंने ग्रंथ पढ़ रखे हैं, जो अपने आप को बताते हैं कि हमारे पास ऐसी विद्या है, हमारे पास ऐसा ज्ञान है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोगों की समस्याओं का निवारण करने के लिए उनसे पैसा लेते हैं, उन्हें अलग अलग तरीके के उपाय बताते हैं, उन्हें कहते हैं आप इतना पैसा दो, आप हम हवन कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, आपकी समस्याएं दूर कर देंगे। तो आप भी ऐसा नहीं कि आप वहाँ नहीं गए होंगे, आपने उन लोगों से मिले नहीं होंगे या फिर अपनी समस्याएं लेके ऐसे ऐसी जगह पे नहीं गए होंगे, आप भी गए होंगे वहाँ। देखो जी, आज के दिन मेरा व्यक्तिगत मानना 100% तो खैर नहीं है, परंतु बिना पैसे के आप बाजार में, समाज में एक कदम भी नहीं चल सकते। जी जिसके पास पैसा नहीं है वो इस समाज में सस्टेनेबल नहीं है। जी और आप कहीं भी पंडित के पास, डॉक्टर के पास, मैं जी खुद वकील हूँ, वकील के पास, हाँ जी, कोई भी जाएगा पैसा तो वो लेगा। हर जगह पैसा तो लगता फीस ही, फीस के बिना काम नहीं चाहे वो चलता। किसी की समस्या का निवारण हाँ करते हो, चाहे बिल्कुल कुछ भी बिल्कुल हो। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिना पैसे काम नहीं चलता। सर पैसे तो लगते ही हैं हर जगह तो क्या आप जब यहाँ पे आए अपनी समस्या को लेके, एक जो उम्मीद जी। से आए कि मेरी समस्या है यहाँ पे, क्या पता ठीक हो जाए, क्या आपने यहाँ सोच के आए थे कि यहाँ पैसे भी लिए जा सकते हैं? देखो सर, ना तो पैसे हम सोच के हैं, जब आदमी परेशान होता है ना, पैसा तो एक तुच्छ वस्तु होती है। हाँ जी पैसे दे के भी अगर आदमी ठीक हो जाए तो भी आदमी उस चीज़ का एहसान नहीं भूलता। बिल्कुल ठीक आज बात का है, समाज या आज का समय तो ऐसा है, हाँ जी हम पैसे दे के भी अगर वो चीज़ को ले लेते हैं या हमें वो चीज़ मिल जाती है तो भी खुशी होती है। जी जिस दिन मैं यहाँ आया था, मुझे यहाँ आने के बाद थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखा मैंने, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, बिल्डिंग्स वगैरह जो छोटी मोटी टीन शेड वगैरह इनका बना हुआ है वो देखा मैंने, व्यवस्था यहाँ ठीक सी लगी, हाँ जी, ग्राउंड है बैठने लायक, वहाँ गद्दे वद्दे सब रखे हुए हैं, व्यवस्था तो थी यहाँ। व्यवस्था कर रखा है सब हाँ, यहाँ। और मैंने ये देखा कि कोई भी चीज़ें, कुछ भी यहाँ, एक डोनेशन बॉक्स वगैरह भी मेरे को नहीं दिखा, जो एक जी कई बार कहीं भी हम जाते हैं तो डोनेशन बॉक्स की एक ऐसी स्थिति रखी जाती है कि वो सबको दिखे। डिस्प्ले लगाते हैं, हाँ हाँ डिस्प्ले जी लगा देते हैं, वो भी मेरे को नहीं दिखा जब मैं जी फर्स्ट टाइम यहाँ आया था। हाँ जी तो राजेश जी के साथ मैं आया था, तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा भाई साहब प्रसाद ले लो, हाँ जी तो मैं चल पड़ा उनके साथ साथ। वो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे उनका भोजनालय है जी गुरु जी का, तो वहाँ बैठ गया। बैठ तो क्या गया, मेरे से तो बैठा ना जाए, हाँ जी तो मैंने राजेश जी कहा जी मेरे से बैठना बड़ा मुश्किल है और मेरे से बैठा नहीं जाता खाना खाते वक्त, क्योंकि जी मैं कुर्सी पे ही बैठ के खाता हूँ रूटीन में खाना। तो उन्होंने भाई साहब आप बैठो, तो माँ सर बैठा नहीं जाएगा। तो मैं कुर्सी लेके आया अपने लिए जाके, और मैंने कुर्सी पे बैठ के उस दिन भोजन किया प्रसाद था। लिया जी हाँ, तो प्रसाद जैसे हमारा एक मंदिर है रणीला, हाँ जी रणीला यहाँ चरखी चरखी दादरी दादरी जिले में रणीला जैन हाँ मंदिर जी है हाँ जी हाँ जी और वो भी बड़ा मंदिर है। प्रसिद्ध है हाँ, तो वहाँ क्या है कि वहाँ भी ऐसा जैसे डोनेशन वगैरह का सिस्टम कोई नहीं है, नहीं
वैसा ही चीज़ हमने यहाँ देखी। मैं रानीला से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ, परंतु जब हम बचपन में थे, बचपन में जब हम स्कूल टाइम में थे, जब हम पढ़ते थे, तो डोनेशन बॉक्स की ना तो व्यवस्था वहाँ है ना यहाँ है जी, कि आपको डोनेशन देनी है। और जैसे वहाँ भी कोई चीज़ नहीं है और यहाँ भी नहीं है, तो हमें प्रैक्टिकली ये महसूस हुआ कि यहाँ विदाउट सिंगल डोनेशन सारे काम आपके हो रहे हैं पूरे। आपका मन हो तो आप अपनी मर्जी से कोई चंदा देना चाहें तो दे सकते हैं। यहाँ किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है, एक सिंगल पैनी की भी व्यवस्था नहीं है, या कोई डिमांड किसी मेंबर्स के द्वारा या गुरुजी के द्वारा कोई भी डिमांड्स पैसे की नहीं की गई मेरे से तो आज तक। जैसा कि आपने बताया, आप ये सोच के आए थे कि पैसे की कोई बात नहीं है पर मेरी समस्या का निवारण हो जाए जी, तो क्या पता काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पैसा भी नहीं दे सकते लेकिन समस्याएं उनके पास भी हैं, तो क्या उस प्रकार के लोग भी यहाँ पे आके समस्या अपनी सुलझवा सकते हैं, अपनी समस्या ठीक करवा सकते हैं? देखो सर, जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा लोगों को, भाई लोगों के पहनावे से उनको जज किया जाता है आजकल ना। हाँ जी, अगर कोई रिच फैमिली से है तो उसका पहनावा अच्छा मिलेगा। हाँ जी, वो गाड़ी वाड़ी में आएगा। हाँ जी, तो उन्हीं से हम लोग जज करते हैं जी। तो जो एक कमज़ोर तबके का क्राउड होता है, हाँ जी, उसका पहनावा भी वैसे मिलता है। तो हमने देखा कि यहाँ अपर वर्ग तो कम था। हाँ जी, मिडल वर्ग और लोअर मिडल वर्ग ज़्यादा है जी। और अपर जो वर्ग होता है वो तो समस्या का समाधान अपना कहीं से करता है, कहीं से करता है नहीं, जब उन्हें मिलता है। जैसे मेरे जैसे, मैं मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ और मुझे भी समस्या का समाधान मैं मेडिकल में जयपुर में भाई को लेके गया। दादरी में भी मैंने 2-3 डॉक्टर से संपर्क किया और उसके बाद भी हमें समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था। जो समस्या थी वो हमारी डॉक्टरों से इलाज लेने के बाद और बढ़ गई थी जी। तो यहाँ आने के बाद दवाइयाँ तो देखो उस समय मेरे भाई की चली रही थी जी, परंतु यहाँ से जाने के बाद, आने से पहले तो था ही मैं परेशान, यहाँ से वापस जब मैं गया तो थोड़े समय के बाद मुझे रिलैक्सेशन धीरे धीरे महसूस हुआ। मेरी जो गाड़ी पटरी से उतर गई थी वो धीरे धीरे गाड़ी पटरी पे आ गई। काम का जो हम ये सोचते थे काम कैसे करेंगे, धीरे धीरे काम ठीक होने लगा और व्यवस्थित दिनचर्या पे हमारी पटरी आ गई। तो आप कहना चाहते हैं कि जो डॉक्टर्स, जो कि बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं, जो बहुत पढ़ के भी जो लोगों की समस्या ठीक नहीं कर पाते, वो समस्याएं भी यहाँ ठीक हो जाती हैं केवल योग शक्ति से? देखो, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव एनर्जी है इस धाम में जी। जो डॉक्टर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स या अच्छी अच्छी मेडिसिन जो ठीक नहीं कर पा रही है, हाँ जी, कुछ तो है बात कि वो अपने आत्म बल से, योग बल से जी, देखो समस्याओं का निवारण कर रहे हैं उनके। जब मैं मिला ना, मैं जब उनसे फर्स्ट समय मिला गुरुजी से, हाँ जी, उनके मुंह पे जो आभा मंडल था जी, जो तेज था, वो देखकर तो मैं एक तरह से दंग रह गया था जी। क्योंकि मैंने इतना तेज, मैं इतने आदमियों से मिलता हूँ, तकरीबन 100-150 आदमी मेरे से भी रोज मिलते हैं, जो उनके मुँह पे एक तेज था, जो आभा मंडल था, वो एक आम मनुष्य के मुखमंडल पे नहीं हो सकता जी। हाँ, मैंने तो इतना तेज देखा भी नहीं। तो देखो, उनकी जो एक व्यक्तित्व की चीज़ है वो उनके योग बल से ही कहीं ना कहीं देखो वो अलग प्रतीत होते हैं। और कोई चीज़ जो कोई शक्ति तो होती है देखो, जिनसे वो हमारी समस्याओं का निवारण कर ही रहे हैं जी। तो भगवान, मैं तो देखा हूँ जी, उनको दीर्घायु प्रदान करे जी। और देखो, जो हमारे जैसे तुच्छ प्राणी हैं उनका वो समस्याओं का समाधान करते रहे। मेरी तो यही आपसे विनती है और गुरु जी के लिए यही प्रार्थना मैं कर सकता हूँ।